I will tell you, they are sending. Madam, sir, lady, please, 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 please. I will try to answer. Yeah, what I am saying is, I saw Twitter message of Arushi here around 7 months back. He said there is no opposition to the constitution. Don't cross the line. Congress. You should be talking about opposition to party. కాంగ్రెస్ పాపల పిండగల్ని వస్తే నేను వాళ్ళని కాంగ్రెస్ పాపల పిండాన్ని వస్తే వస్తూ పాపల పిండగడు అంగడి క్లోజ్ మాట్లాడదా హలో ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಹುಗಿದೆ ಗುಣಮಕ್ಕನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಸ್ತಾರೆ ತಪ್ಪು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜೊತೆ वाले एक पड़ोसी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के घर के आगे लगने वाली भीड़ के चलते उनके लिए मुश्किलें पैदा हो गई। आपको भी सुनवाते हैं क्या कुछ कहना था इस शख्स का। गाड़ियां लगाते हैं हम 108 कौशाम्बी के में हम रहते हैं। हमारे 84 साल के दादाजी हार्ट पेशेंट हैं। हम उन्हें निकालने के लिए हमारे घर के आगे गाड़ियां लगाते हैं। हम हाथ जोड़ के जब मना करते हैं तो इनके कार्यकर्ता गुंडाई करते हैं। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हो चुका है। ये घर मैं आपको दिखा रही हूँ। इस घर पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये यहाँ पे लोग जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता है वो हंगामा करते हैं। हमारे साथ मौजूद है, ये 108 को कवर कीजिए। सर ये बताइए कि क्या दिक्कत है? बोलना है श्री सत्यव्रत मेहरोत्रा 84 ईयर्स हार्ट पेशेंट है और इनको चल ये खड़े सीधा नहीं रह सकते बिना सपोर्ट के। आपको दिक्कत क्या है? हमारी दिक्कत है कि हम A108 कौशाम्बी में रहने लग गए और A119 में इनका ऑफिस बन गया। जब हम यहाँ पे आए थे ये 119 का यहाँ पे ऑफिस नहीं था, नामो निशान नहीं था। कौशाम्बी की जनता के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, पर प्रॉब्लम आप समझिए, यहाँ पे गाड़ियां लग जाती हैं रोज गाड़ियां। आज हमारे सामने गुंडे आ गए और मेरी प्रेग्नेंट वाइफ को सराउंड करके थ्रेटन किया, अपनी टोपियां उतार के कहते हैं आप बताओ, अब हम आम आदमी पार्टी के नहीं है, अब हम आम आदमी पार्टी के लोग नहीं है, अब तो हमने टोपी उतार दी, आइए लड़िए। क्या ये शिष्टाचार है? क्या आप सब लोगों, मैं आप सब लोगों से पूछता हूं कि क्या अगर ये आपके साथ होता आप ये सहन कर पाते? नहीं, नहीं। क्या आप अगर आप सहन कर नहीं पाते
तो आप क्या करते, आप अपने आप घर में ही बैठे रहते। अब ये देखिए, ये एक और नेबर है यहाँ की, एक मिनट उनको हटाने के लिए, अब एक मिनट, एक मिनट और आगे आप सुनिए। आप हमारी एक और नेबर बोलेंगी जिनको सेम प्रॉब्लम है, हम सब यहाँ दबे हुए हैं, आप इनकी प्रॉब्लम समझिए। हमारे घर के सामने सारी गाड़ियाँ लगा देते हैं, अगर किसी को मना किया जाए तो गाली गलौज करते हैं, ऊपर से कहते हैं आप आजा भाई आजा, नहीं हम लोगों को गाली गलौज करते हैं, मना करते तो कहते हैं क्या कर लोगे, कभी गार्ड को गालियां देते हैं, कभी ड्राइवर को थप्पड़ मारते हैं। डेली का काम हो गया, डेली का काम है नहीं तो ऐसा है बाबू जी, ये तो धूप के चाटने वाले, एक मिनट ऐसे नहीं, आप बोलते कुछ करते कुछ, आप अपनी नाक कटवा लेते हैं फिर आप नाक की सर्जरी करवाने जाते हैं तो दाग तो रह ही जाते हैं, दाग बड़े अच्छे लगते हैं। मेरे से आप चर्चा करो ना, मेरे से जो कह रहा हूँ मैं तो तब भी पक्ष में हूँ, आप एक मरतबा तो कहते हैं कि ना हम सरकारी बंगला लेंगे, ना हम सरकारी गाड़ी लेंगे, ना सिक्योरिटी लेंगे किसी प्रकार की, क्योंकि हम आम हैं, आम अब आप खास हो गए सर, आप एक बात बताएं, आम अब खास हो गए, और यहाँ पर आपको गुजरात में क्या तकलीफ है जो आपने यहाँ ये दुकानदारी खोल के रखी है, बताइए मुझे, बताइए क्या तकलीफ, आप बताइए, आपको नहीं है तो उसमें हम बताइए, जितना पानी आप वहाँ फ्री देने की बात कर रहे हैं, गुजरात में हजारों लीटर बगैर पैसा फ्री दिया जाता है, पानी की समस्या नहीं होती। हाँ तो और क्या क्या समस्या आप बताइए, पहले जिन सालों का उसमें आने की क्या जरूरत थी, मेटाडोर में वहाँ रिक्शा रिक्शा में बैठ कर आने की क्या जरूरत थी उनको, मेट्रो में, हाँ मेट्रो में, मेट्रो की पूरी ट्रेन 1 करोड़ रुपए का खर्चा किया, स्पेशल ट्रेन लगवाई उन्होंने, लोगों के सामने आपकी नौटंकी खुली हो गई और दुकानदारी बंद करो, जो मंत्री लगाते हैं 100 करोड़ के सिक्योरिटी के लिए लगाते हैं, नहीं नहीं अगेंस्ट क्यों, आप दुकानदारी लेके बैठे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अच्छा ऐसे ये बताओ, शीला दीक्षित के खिलाफ आप बोल रहे थे कि शीला दीक्षित जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा पहले दिन वो जेल की हवालात खाएगी, क्योंकि ये बिजली, नहीं सुन लीजिए पहली बात, पहले दिन क्योंकि ये बिजली कंपनियों से मिली हुई है, पानी वाली कंपनियों से मिली हुई है, और इनको हवालात खिलवाएंगे, और अब क्या बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं, हर्षवर्धन जी कोई सबूत है तो लाए, आप सबूत लेकर तो घूम रहे थे, बैग लेकर कहाँ गए सबूत आपके,